जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। पीछे आप देख सकते हैं फ्रेम में हमारे पास है आज मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा। लेकिन देखो दोस्तों, चैनल की यूएसपी है बेस वेरिएंट आपके लिए कहीं से अवेलेबल कराना। तो आज ग्रांड विटारा का सिग्मा वेरिएंट है और इसकी वीडियो होने वाली है। बेस वेरिएंट है दोस्तों, देखेंगे क्या कुछ मिलेगा, कितनी एक्स रूम प्राइसिंग वगैरह रहने वाली है। तो सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो फाइनली दोस्तों, सामने है मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा। बेस वेरिएंट है दोस्तों, सिग्मा वेरिएंट है। और सबसे पहले एक्सोरूम कीमत की बात करें तो 10,80,000 रुपए में एक्सोरूम देखने के लिए मिलती है। इंजन की बात करें 1462 सीसी या 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन, 101.64 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है, मतलब ARAI माइलेज, तो 21.11 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम करती है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रंट में देख लो दोस्तों, इंडिकेटर ब्लिंक होते हुए तो दिख रहे होंगे कुछ इस तरीके से ISQ पॉलिसी में। नीचे की तरफ देखें तो एक यूनिट मिलती है हेडलाइट में, प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाती है। सामने की जो ग्रिल है इस पे देखो, क्रोम का अच्छा खासा वर्क देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जो ग्रिल है ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाती है। मतलब कहने वाली बात यह है कि जो टॉप एंड वेरियंट है और बेस वेरियंट है, इसमें बाहर से बहुत कम मामूली अंतर ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नीचे की स्किड प्लेट की बात करूँ तो सिल्वर टोन के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगी। साइड प्रोफाइल पे आ जाए तो यहाँ पर देखिए व्हील आर्च जैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एलॉय व्हील। एक चीज बताऊं, गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें फीते भी लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि जब डिलीवरी के लिए गाड़ी होती है तो कस्टमर ने अपनी जो रिम होती हैं नॉर्मल वाली स्टील रिम, उन्हें निकलवा के एलॉय व्हील डलवा लिया, बस इतना अंतर है। यहाँ पर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 215/60 की प्रोफाइल के साथ 17 इंच का आपको यहाँ पर स्टील रिम देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, और अगर रियर की बात करें तो रियर के अंदर भी आपको देना डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगा। तो चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो ORBM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो इस वेरिएंट में रूफ रेस नहीं मिलती, लेकिन शार्क फिन एंटीना जरूर देखने के लिए मिल जाता है बॉडी कलर के अंदर। यहां पर देखें तो देखो एक बहुत बढ़िया चीज, बेस वेरिएंट में डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन मिल रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों, बहुत शानदार। एक चीज और करता हूँ, इसकी चाबी दिखा देता हूँ। तो देखो बेस वेरिएंट में आपको चाबी भी कुछ ऐसी मिलने वाली है, रिमोट की जो टॉप एंड में आती है वही आपको बेस में भी मिल रही है। दोस्तों ये जो बेस है ना, इतना खतरनाक बेस है कि इसमें अभी धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि क्या खतरनाक है। ठीक है, ऐसे ऐसे फीचर दे डाले हैं जो सिर्फ टॉप में ही आते हैं और वो आपको बेस में मिल रहे हैं। बी पिलर की बात करूं, बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिल जाएगा। और पीछे की तरफ आ जाते हैं यहाँ पर, तो पीछे की लाइटिंग कुछ ऐसी मिलेगी। देखो कनेक्टेड टेल लैंप मिलती है बीच में, देखो ये सुजुकी का लोगो मिलता है ना, बस इतना पार्ट आपको कनेक्ट नहीं मिलेगा, वरना पूरे ही बूट के ऊपर आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी। ग्रांड विटारा का यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। उसके बाद देखो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। पीछे की बात करें तो देखो रियर वाइपर तो नहीं मिलता है, लेकिन बेस वेरियंट में डिफॉगर मिलता है। रियर स्पॉयलर के ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और पीछे की तरफ देखें तो रिवर्स पार्किंग सेंसर 1, 2 और देखो 3, 4, मतलब 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट का सेटअप आपको ऐसा मिलता है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। एक काम करता हूँ, बूट ओपन कर लेता हूँ और स्पेस देख लेता हूँ कितना मिलने वाला है। गजब, 373 लीटर कैपेसिटी का बहुत बड़ा सा बूट स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है दोस्तों। यहाँ पर इस वेरिएंट में पासर ट्रेल तो नहीं मिलने वाली है, लेकिन स्पेस आपको भरपूर मिल जाता है। और स्पेयर व्हील की बात करूँ ना, तो स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर मिलता है सेम साइज का, 215/60R16। देखो यहाँ पर स्टील रिम आपको मिल रही है, सेम ऐसी ही स्टील रिम मिलती है। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब एक चीज देखो, यहीं से देख लो दोस्तों, पीछे वाली जो सीट है इसमें 60-40 का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाली सीट और ये वाली सीट के बीच में यहाँ पर। और तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3-point सीट बेल्ट मिलती है, यहाँ पर आपको सीट बेल्ट निकलती हुई भी दिखाई दे रही होगी, तो आप इससे समझ सकते हैं। अंदर जाके मैं दोबारा से दिखाऊंगा। तो ये है कुछ इस तरीके से बाहर का सेटअप। यहाँ पर अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर कैपेसिटी का जो है ना, आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं फ्रंट में, आ जाते हैं यहाँ पर, करते हैं डोर को ओपन। तो देखो सबसे पहले डोर पे चारों पावर विंडो मिल रही हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कुशनिंग तो नहीं है, लेकिन कलर अलग मिल जाता है। यहाँ चॉकलेट कलर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक कलर की कुशनिंग देखने के लिए मिलती है। चारों पावर विंडो मिल गई। पीछे वाली विंडो को लॉक अनलॉक करने के लिए चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल गया। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक बटन मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल आपको ORBM देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है। इस वेरियंट में एक चीज की कमी है दोस्तों, इस वेरियंट में यहाँ पर कोई भी स्पीकर नहीं मिलता गाड़ी में,
और कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, बेस वेरिएंट है दोस्तों, यही काम आपको कराना है। सीट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, सीटिंग साइज काफी अच्छा है। नीचे की तरफ देखें तो देखो डेड पेडल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। यहां पर देखें तो देखो हेडलाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन बहुत अच्छे से लुक में मिल जाता है, चॉकलेट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एसी वेंट का डिजाइन ऐसा मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहां से फ्यूल लिड ओपन करनी है और यहां से आगे बोनट ओपन करना है। ऊपर की तरफ देखें यहां पर तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है। अंदर बैठकर बात करते हैं और क्या क्या मिलेगा। तो अंदर की तरफ देखो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका इग्निशन ऑन करता हूं और फिर दिखाता हूं कि ये कैसा लगेगा आपको। ये देखो दोस्तों, ये है कुछ इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको टेम्परेचर, यहाँ फ्यूल गेज दिख जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बीच में एक एमआईडी दे रखी है और यहाँ से आपको ट्रिप और मोड चेंज करने के लिए दो डंडी जैसी दे रखी है। बहुत सही सेटअप दे रखा है। उसके बाद स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग पे बस आपको ऑडियो कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स के लिए जो है यहाँ पर बटन्स मिलने वाले हैं। उसके बाद देखो स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। तो ये है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी कमी यही है कि यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाना है गाड़ी को निकालते ही शोरूम से, तो ये चीज आपको करवानी पड़ेगी। इस इवेंट का डिजाइन यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको हेजार बटन मिल जाएगा। यहाँ पर बेस वेरियंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। और क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन ऑटो कट ऑफ का बटन, यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है और कोई यूएसबी पोर्ट वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहां पर एक स्पेस मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहां देखने के लिए मिलेगा, पार्किंग ब्रेक ये हो गया। उसके बाद देखो दो कप होल्डर और यहां पर ये देखो की रखने का स्पेस आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहां पर देखो आर्मरेस्ट मिल रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों, बेस वेरिएंट में स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में, ये देखो बहुत सही, ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। उसके बाद देखो यहां पर देखें तो स्टोरेज काफी अच्छा सा मिल जाता है। ये है कुछ इस तरीके का ऑप्शन। दो एयरबैग आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं बेस वेरिएंट में। ऊपर की तरफ देखें तो यहां पर देखो ड्राइवर साइड में भी देखो आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, सनसेट के अंदर। उसके बाद डे नाइट वाला आपको IRBM मिलता है। यहाँ पर लाइटिंग कुछ इस तरीके से येलो कलर की मिल जाती है। यहाँ पर पैसेंजर साइड में देखें तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनसेट के अंदर। यहाँ पर सॉफ्ट टच के साथ में ये ग्रैब हैंडल मिलते हैं। तो ये है इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप, बहुत शानदार शानदार फीचर से लैस कर दिया कार। बेस वेरियंट में इतने फीचर नहीं आते लेकिन सिर्फ ग्रैंड विटारा के अंदर आपको ये खूबी देखने के लिए मिलेगी। अब चलते हैं रियर कैबिन में, वहां क्या मिलेगा देखने के लिए। तो देखो सबसे पहले कुशनिंग वगैरह तो एज इट इज मिल जाती है, डोर हैंडल्स क्रोम में मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन, बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल मिलती है। पीछे की तरफ देखें तो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। अरे दोस्तों यहां तो आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, क्या किया जाए दोस्तों, मारुति के लिए इसने तो इस गाड़ी को एकदम कयामत बना दिया है। ये देख रहे हो, अभी निकाल के ही दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो दोस्तों, दो कप होल्डर के साथ में आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है। और क्या चाहिए, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल रही है। और यहां पर देखो दोस्तों पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट मिल रहे हैं, मजा आ गया दोस्तों, कसम से गजबी। और पीछे से देखो डैशबोर्ड वगैरह ऐसा दिख रहा है। लाइटिंग की बात करूं तो देखो यहां पर लाइटिंग, यहां पर आपको हैंडल्स दिख जाएंगे ये पकड़ने के लिए, ग्रैब हैंडल्स। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। लेकिन दोस्तों इतने सारे फीचर्स, ये सब एडिशनल फीचर हैं, जैसे कि देखो आर्मरेस्ट, ठीक है, और तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह। उसके बाद देखो यहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट का बटन, दोस्तों बहुत शानदार शानदार चीज दे रखी है। तो ये थी ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट, सिग्मा वेरिएंट की वीडियो। बाहर आके वीडियो खत्म करता हूं। तो दोस्तों ये ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट, सिग्मा वेरिएंट के वीडियो, 10,80,000 एक्स शोरूम कीमत में मिलने वाली गाड़ी है, बहुत शानदार फीचर से लैस है, टॉप एंड वाले बहुत से फीचर दे रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।